हेलो एवरीबॉडी, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने से आप लोगों को हैरानी हुई होगी। सब कुछ जानते हुए भी मैं यहाँ कैसे, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। दरअसल मैं आदिति को ले जाने आई हूँ अपने साथ। अनिकेत, आदिति की जिंदगी में हुई घटनाओं की वजह से मैंने अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ी। वो तोड़ी क्योंकि इस घर के पुरुष उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर सके। मुझे नहीं लगता आदिति ने कोई पाप किया है, बल्कि उसकी ईमानदारी और इस घर के प्रति उसकी कमिटमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये समझने की ताकत तुम्हारे पिता, सॉरी, मिस्टर श्रीकांत पंडित के पास नहीं है। आदिति के साथ उनका बर्ताव तो बुरा था ही, मगर तुम्हारा उससे भी घिनौना। तुम्हारे जैसा नैरो माइंडेड एटीट्यूड रखने वाला पति नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद को नई पीढ़ी की समझती हूँ, ब्रॉड माइंडेड, बिना किसी प्रेजुडिसेस के, और तुम्हें भी वैसा ही समझती थी। मुझे नहीं लगता मैं किसी भी मामले में पुरुषों से कम हूं, और उस हिसाब से औरत होने के नाते जो बात मेरे लिए गलत है वो बात तुम्हारे लिए भी गलत ही होनी चाहिए, और मर्द होने के नाते जो बात तुम्हारे लिए सही है वो एक औरत होने के बावजूद मेरे लिए भी सही ही होनी चाहिए। एक आखिरी बात अनिकेत, तुम कहते हो कि अदिति ने व्यभिचार करके तुम पर बदनामी का दाग लगाया, मगर तुम भूल रहे हो कि उसके सो कॉल्ड व्यभिचार से आज तुम यहां हो। तुम्हारा अस्तित्व है, और इतने कर्जदार तो तुम रहोगे ही इस व्यभिचारी स्त्री के। एनीवे, मे टाइम मेक यू अ मोर ब्रॉड माइंडेड एंड अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। गुड लक एंड गुड बाय। चलें। अपना ख्याल रखना श्री, खुद चलती हूँ।